हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि अपडेट और नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। कि क्या है आज की इस वीडियो में? आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्टडी नोट नंबर 4th का लास्ट टॉपिक, ड्यूटी ड्रॉबैक। जी हाँ, तो जिन लोगों ने लास्ट वीडियोस जितनी भी हैं नहीं देखी हैं तो वो प्लीज़ जाकर पहले वीडियोस देखें, देन उसके बाद इस वीडियो पर आएं। क्योंकि अब जो है, मैं ये ख़त्म करवाने के बाद क्वेश्चन पेपर लूँगा और जितना भी हमने कस्टम का पढ़ा है वो देखेंगे कि कितने कितने मार्क्स के हमने क्वेश्चन अटैम्प्ट, तो मतलब कितने मार्क्स से क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। जितना भी हमने पढ़ा, क्या वो हमारे लिए बेनिफिशियल हुआ या नहीं हुआ। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार वो वीडियोस जाकर जरूर देखें और देन वेट कीजिएगा नेक्स्ट वीडियो के लिए, बिकॉज नेक्स्ट वीडियो में हम सजेस्टेड आंसर्स और क्वेश्चन पेपर देखेंगे किस तरीके से सॉल्व हुआ है और उनके आंसर्स भी हम खुद ही देंगे। सो आई होप आप लोग लास्ट वीडियो का एक बार रिवीजन करके इसमें ज़रूर अटेंड करेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज का टॉपिक है ड्यूटी ड्रॉबैक। ड्यूटी ड्रॉबैक मीनिंग क्या है इसका? ड्यूटी ड्रॉबैक के बारे में हम पहले भी अभी कुछ कॉन्सेप्ट भी पढ़ चुके हैं कि ड्यूटी ड्रॉबैक किस पर मिलता है। IGST का ड्यूटी ड्रॉबैक लिया था हमने, ठीक है? तो यानी कि एक तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक का मतलब लाइक रिफंड भी कह सकते हैं, वो वापस लेना ड्यूटी को। किस तरीके से? देखिए, ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड फॉर दी फॉलोइंग। और ड्यूटी ड्रॉबैक किस लिए अलाउ होता है? इम्पोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इम्पोर्टेड गुड्स। अगर आपने इम्पोर्टेड गुड्स पर इम्पोर्ट ड्यूटी दी है तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। ओके, एंड दी एक्साइज ड्यूटी एंड सर्विस ड्यूटी, सर्विस टैक्स, तो इसका भी आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। नो ड्रॉबैक इज अलाउड ऑन वैट एंड जीएसटी। ये आपको ध्यान रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। एक नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव है ये, ठीक है? यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक इज एन एक्सपोर्ट इंसेंटिव, ये एक बेनिफिट है, इंसेंटिव है, इंसेंटिव स्कीम है। वेयर द ड्यूटीज पेड ऑन एनी एक्सपोर्टेड मटेरियल्स और एक्साइजेबल मटेरियल्स विच आर यूज इन मैन्युफैक्चर प्रोसेसिंग कैरिंग आउट एनी ऑपरेशन ऑन द गुड्स डेट आर एक्सपोर्टेड आउटसाइड इंडिया इज अलाउड एज रिफंड टू द एक्सपोर्टर, को रिफंड मिल जाएगा, ठीक है? तो दो कैटेगरी होती हैं ड्यूटी ड्रॉबैक के लिए। कौन कौन सी कैटेगरी है? फर्स्ट इज ड्यूटी ड्रॉबैक एंड री ऑन री एक्सपोर्ट, सेक्शन 74, एंड ड्यूटी ड्रॉबैक एंड ऑन एक्सपोर्ट, ये सेक्शन 75 है। तो आपको ध्यान रखना है। देखिए, यहाँ पर कुछ कंडीशन है, ये आप लोग यहाँ से पढ़ लेना, बट मैं आपको अपने नोट्स में से कुछ पॉइंट्स बता दूंगा जो इन्हीं में से ही लिए गए हैं। और एक बात और, हाँ, अगर आप लोग को इनके नोट्स चाहिए जितने भी, तो आप लोग प्लीज़ मुझे व्हाट्सएप करके नोट्स के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, मैं आपको नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, सो तो कंडीशन क्या है? कंडीशन शुड बी सेटिस्फाई होनी चाहिए ड्यूटी ड्रॉबैक अगर री एक्सपोर्ट पर लेना है तो। क्या सेटिस्फाइड होनी चाहिए? सबसे पहली कंडीशन ये है कि गुड्स शुड इम्पोर्टेड इन इंडिया। गुड्स जो हैं वो इम्पोर्ट इन इंडिया होने चाहिए, ठीक है? और ड्यूटी शुड हैव बीन पेड, उस पर ड्यूटी भी पेड होनी चाहिए। नेक्स्ट है, गुड्स एक्सपोर्टेड आफ्टर एग्जामिनेशन एंड इंश्योरिंग दैट देयर इज नो एनी प्रोहिबिशन एंड रेस्ट्रिक्शन ऑन देयर एक्सपोर्ट। तो यानी कि इस पॉइंट में बोला गया है क्या? थर्ड पॉइंट में बोला गया है कि गुड्स हैव बीन एक्सपोर्टेड आफ्टर प्रॉपर एग्जामिनेशन। प्रॉपर एग्जामिनेशन करके ही क्या होगा, वो इंश्योर किया जाएगा डेट देयर इज नो, कि ये जो गुड्स हैं वो प्रोहिबिशन गुड्स नहीं है और इनको एक्सपोर्ट करने में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है? और ये कौन चेक करेगा? ये प्रॉपर ऑफिसर चेक करेगा, ठीक है? देन उसके बाद उनकी परमिशन के बाद ही ये क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। गुड्स शुड आइडेंटिफाई टू द सेटिस्फेक्शन ऑफ असिस्टेंट। असिस्टेंट अगर सेटिस्फाई हो जाता है तो आप क्या करोगे, ये एक्सपोर्ट कर सकते हो। गुड्स शुड बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 ईयर्स। ये भी बात आपको याद रखनी है, विद इन 2 ईयर्स क्या होने चाहिए, आपको एंटर कर देने चाहिए किसके लिए, एक्सपोर्ट के लिए, ठीक है? तो ये थी इनकी कुछ कंडीशन जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए किसके लिए,
री एक्सपोर्ट के लिए जिस पर कि आपको ड्यूटी ड्रॉबैक लेना है। बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है हमारा, एक ये चार्ट दे रखा है, इसको समझ लेते हैं। एक मिनट, चार्ट से पहले आई थिंक शायद कुछ छूटा तो नहीं है, नहीं कुछ नहीं छूटा है। चार्ट देखते हैं, चार्ट में क्या कहा गया है। री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड गुड्स सेक्शन 74 और इम्पोर्ट सॉरी 75 किसका था, एक्सपोर्ट का था, तो ये आपको ध्यान रखना है। क्या बोला गया है कि गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पज, गुड्स जो है वो बिजनेस पर्पज के लिए इम्पोर्ट किए गए हैं, और इसमें दो कंडीशन है, आफ्टर यूज एंड विदाउट यूज। तो पता है क्या करना है आपको, ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट दिया हुआ है, ये आपको रेट बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना है आप, ठीक है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपके लिए, एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, और आई थिंक इस बार ये ड्यूटी ड्रॉबैक आने का बहुत ही ज्यादा चांस है। यहाँ पर इम्पोर्टर है जो कि इम्पोर्ट किए गए हैं गुड्स पर्सनल पर्पस के लिए, तो आफ्टर यूज और विदाउट यूज किस तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक लेंगे वो देखेंगे। तो मैं एक बात बता दूं, यहाँ पर विदाउट यूज, अगर हम विदाउट यूज किए बिना ही गुड्स को क्या करते हैं, री एक्सपोर्ट कर देते हैं, और वो भी क्या विद इन 2 ईयर्स, ठीक है, तो आपको ड्यूटी ऑफ पेमेंट यानी कि ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल जाएगा, 98% का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा। सपोज अगर 10,000 रुपीज का ड्यूटी है, तो आपको 90% कितना हो गया, 9,800, तो आपको 9,800 का ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसी तरीके से विदाउट यूज सेम यहाँ पर भी, किस चीज़ के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो 98, यानी कि दोनों में सेम टू सेम है, बट यहाँ पर सिर्फ टाइम लिमिट की बाउंडेशन नहीं है, यहाँ पर टाइम लिमिट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। तो आफ्टर यूज करके करते हैं तो क्या होता है, आफ्टर यूज करके देखिए, एक्सपोर्टेड, यहाँ पर एक्सपोर्टेड क्या होना चाहिए, विद इन 18 मंथ्स होना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ ड्यूटी। तो ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे मिलेगा, देखिए यहाँ पर विद इन 3 मंथ्स है तो 95%, 3 मंथ से ज्यादा है बट 6 मंथ से, अप टू 6 मंथ्स है तो 85%, इसी तरीके 6 मंथ से ज्यादा बट अप टू 99 मंथ्स 75%। एक बात देखो यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 10% 10% 10% कम हो रहा है, बट 9 मंथ और अप टू 12 मंथ पर आते ही क्या हो गया, 5% कम होने लग जा रहा है, फिर 5% फिर 5%, ऐसी मोर देन 18 मंथ्स है तो निल होगा आपका, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। पहले 10 10 है फिर 5 है, ठीक, 5 कब है, 9 और 12 के बाद, मतलब 9 और 12 से, ठीक। तो अब यहाँ पर देखते हैं गुड्स पर्सनल यूज के लिए किया जाता है, तो यहाँ क्वार्टर वेज पे लिया जाएगा, फर्स्ट ईयर है और फर्स्ट क्वार्टर है तो 96%, यहाँ पर देखिए आपको पता है 4% का डिक्रीज होगा, देन लास्ट सेकेंड ईयर में 3% का डिक्रीज होगा, यानी कि सेकेंड क्वार्टर में देखिए यहाँ पर 4% माइनस हो गया, फिर यहाँ 4 माइनस, फिर यहाँ 4 माइनस, अब यहाँ 3 3 माइनस हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, यहाँ 3 माइनस, तो आपको ये बात क्या है जो अच्छे से ध्यान रखनी है, ठीक है, यहाँ पर पहले 10 10% फिर यहाँ पर 5% फिर यहाँ पर 4 और यहाँ पर 3, ठीक, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब यहाँ एक, यहाँ पर क्या बोला गया है, गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस आफ्टर यूज, री एक्सपोर्टेड आफ्टर 2 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ पेमेंट ऑफ इम्पोर्ट ड्यूटी, देन विद द प्रायर परमिशन ऑफ द सी, ये सब क्या होगा, प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी किसकी, सीबीआईसी की, ड्यूटी ड्रॉबैक चाहिए तो हमें, ठीक है। अब देखो, ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट नॉट अलाउड, किस पर अलाउड नहीं होगा, ये भी ध्यान रखना है किस पर अलाउ नहीं होगा। अच्छा, उसके आगे भी है, यहाँ पर ये जो टेबल है ना उसके आगे भी है, जैसे यहाँ पर 3% हो गया था, तो ईयर 3 में क्या होता है कि 2.5, यहाँ पर जो है 2.5 रेट, आप माइनस करके देखेंगे तो 2.5 2.5 2.5 ही आएगा, ठीक है, कम होते जा रहा है, बट फिर यहाँ ईयर 4 में क्या हो रहा है, 2 2 होते जा रहा है कम, ठीक है, यानी कि पहले 4 पहले फिर 3 फिर 2.5 और फिर 2, तो आपको ये ध्यान रखना है ईयर 4 तक, यानी कि क्वार्टर कितने हो गए आपके, देखे जाए तो 4 उधर 4 उधर, ठीक, 4 इधर 4 इधर, 16 क्वार्टर हो गया टोटल,
हाँ 16 क्वार्टर हो गए, 8 इधर है ना, नो 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 नो, हाँ, ठीक है ठीक है ठीक, 8 उधर है और 8 उधर है, तो आपको ध्यान रखनी है ये बात। नेक्स्ट है कि ड्यूटी ड्रॉबैक रीएक्सपोर्ट किस पर अलाउ नहीं होगा। तो सबसे पहले वियरिंग अपैरल है, जो हम कपड़े पहनते हैं, आफ्टर बीइंग यूज, यूज करने के बाद अगर आप देते हो तो नहीं होगा, ठीक है। टीचर्स पर नहीं होगा। देन एक्सपोर्ट, एक्सपोज्ड सिनेमा, सिनेमाटोग्राफ फिल्म जो होती है पास बाय दी बोर्ड, यानी कि एक्सपोज हो गई हो, उस पर भी नहीं होगा, ठीक है। ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद क्या है, एक्सपोज फोटोग्राफिक फिल्म्स, पेपर और प्लेट्स एंड एक्सरे फिल्म्स, तो इन सब भी आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसका ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक। सो आई होप आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा अच्छे से क्या है, किस तरीके से रेट है। रेट आपको बहुत ही अच्छे से ध्यान रखने हैं कि ये कितना रेट था, ये सब चीज़ें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अब हम आगे, हमारे पास है इक्वेशन। और यहाँ मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि टी चेस्ट का मतलब था चाय की पेटी, चाय की पेटी, पेटी होती है ना बक्सा, उसमें रखते हैं जो वो। तो देखिए क्वेश्चन किस तरीके से आएगा ये भी हमें समझ लेना है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउएबल अंडर सेक्शन 74 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962 इन फॉलोइंग केसेस। पहला क्या है, सलमान इंपोर्टेड अ मोटर कार फॉर हिज पर्सनल यूज के लिए, देखिए पर्सनल यूज के लिए ध्यान में रखना, एंड पेड 5 लाख एज इम्पोर्ट ड्यूटी। द कार इज री एक्सपोर्ट कर दिया है आफ्टर 6 मंथ एंड 20 डेज। तो आफ्टर 6 मंथ और 20 डेज, आफ्टर 6 मंथ में यानी कि कौन से क्वार्टर में आ रहा है, दूसरे वाले क्वार्टर में आ रहा है, दूसरे वाले क्वार्टर में आ रहा है, तो हमें कितना पे करना था, जाकर देखते हैं जरा कितना पे करना था हमें दूसरे वाले क्वार्टर में। दूसरे वाले क्वार्टर में आ गया यहाँ पर, ठीक, और वो भी कब आ रहा है, 6 मंथ में आ रहा है, दूसरे सॉरी यहाँ पर पहले ईयर के ही दूसरे क्वार्टर में, दूसरे क्वार्टर के बाद, या 3 3 मंथ्स के हो गए, आफ्टर 6 मंथ एंड 20 डेज पे कर रहा है, तो ये यहाँ तक तो हो गया कितना, 6 हो गया, तो ये थर्ड वाले क्वार्टर में आ रहा है, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना देना पड़ेगा, 88%, ठीक है। तो यहाँ पे हम अभी क्वेश्चन में ध्यान रखेंगे कि 88% है, तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि 88% ही है, ठीक है, 5 लाख का 88% है। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्या है, तो बोला निशा इंपोर्टेड वियरिंग अपेरल, वियरिंग अपेरल के लिए क्या था, नो ड्यूटी था, लेकिन यहाँ कंडीशन क्या थी कि यूज नहीं कर, मतलब यूज वाले पे क्या होगा, आपको यूज वाले पर ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एज सी डिड नॉट लाइक दी अपेरल, दीज आर री एक्सपोर्टेड, निशा इंपोर्टेड वियरिंग अपेरल एंड पेड 50,000 एज इम्पोर्ट ड्यूटी, एज सी डिड नॉट लाइक दी अपेरल, दीज आर री एक्सपोर्ट आफ्टर 20 डेज। 20 डेज में उसने क्या कर दिया, री एक्सपोर्ट कर दिया। ड्यूटी ड्रॉबैक इज नील, एज्यूम डेट वियरिंग अपेरल आर री एक्सपोर्टेड आफ्टर बींग यूज, ठीक है, बींग यूज करके दे दिया गया, तभी तो उसे पसंद नहीं आया, तो फिर क्या होगा, आपको नील ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। नेक्स्ट है सुपर टेक लिमिटेड इंपोर्टेड 10 कंप्यूटर सिस्टम पेइंग कस्टम ड्यूटी 50 लाख, ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम द कंप्यूटर सिस्टम वर रिटर्न टू फॉरेन सप्लायर आफ्टर 2 मंथ्स के लिए, ठीक। आफ्टर 2 मंथ्स में ही क्या कर रहा है, वो वापस भेज दे रहा है, तो वो अपने बिजनेस पर्पज के लिए लेकर आया था, बिजनेस पर्पज के लिए लेकर आया था, तो मैं दिखला दूँ आफ्टर 2 मंथ्स की बात हो रही है, 2 महीने के बाद, यानी कि यहाँ पर, तो कितने परसेंट का उसे ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, उसने यूज किया था, ये भी तो देखना था हमें, ड्यू टू सम रिटर्न टेक्निकल प्रॉब्लम के बाद, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक जो है वो हमें कितना मिल जाएगा, 98%, ठीक है। क्यों, क्योंकि विदाउट बीइंग यूज पे ही उसने क्या किया है, री एक्सपोर्ट कर दिया है, यहाँ पे लिखा भी है 2 मंथ विदाउट यूजिंग देम एट ऑल, ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो सिंपल सा है, विदाउट यूज होता 98% ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा 5 लाख का, ठीक। सो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल नंबर 13। तो मैं आपको ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब अगर आपने स्टडी मटेरियल से नहीं पढ़ा ना तो आप बहुत पछताने वाले हैं, सीरियसली बहुत ज़्यादा पछताएंगे कि काश हमने स्टडी मटेरियल से पढ़ लिया होता
आप इस बात को ना एग्जाम के बाद आप पक्का याद करेंगे, एग्जाम में जब बैठेंगे ना पक्का याद करेंगे। ठीक, तो मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि स्टडी मटेरियल से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 के आगे। विद रेफरेंस टू ड्रॉबैक ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड गुड्स अंडर सेक्शन 74 ऑफ द कस्टम एक्ट 1962, आंसर द ब्रीफ फॉर व्हाट इज द टाइम लिमिट फॉर री एक्सपोर्टेशन ऑफ सच ऑफ गुड्स एज सच। क्या टाइम लिमिट है? तो टाइम लिमिट हमें पता ही है, हम पढ़ चुके हैं 74 में क्या दी ड्यूटी ड्यूटी पेड इम्पोर्टेड गुड्स आर रिक्वायर्ड टू बी एंटर्ड फॉर एक्सपोर्ट विद इन 2 ईयर्स में फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट ऑफ द इम्पोर्टेशन। ये आपको ध्यान रखना है। वट इज द रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इफ द गुड्स आर एक्सपोर्टेड विदाउट यूज? तो 98% है, सिंपल सा है, वही बता दिया गया यहाँ पर, देखिए। ठीक, इफ इज ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड ऑन री एक्सपोर्ट ऑफ वियरिंग अपेरल विदाउट यूज किया गया है? विदाउट, यस, यहाँ पर आपको मिल जाएगा, यस ड्यूटी ड्रॉबैक इज अलाउड। अगर यूज किया है तो आपको नहीं मिलेगा, ये बात भी ध्यान रखनी है। सेक्शन 75 पे ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन एक्सपोर्ट, ठीक है, ये ध्यान रखो। अब क्या, गुड्स विच आर एक्सपोर्टेड, तो एक्सपोर्टेड गुड्स नेम्ड इन ऑल इंडस्ट्री डीडीबी लिस्ट में देखना होगा, यस, अगर है तो क्या होगा, ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक रेट एप्लीकेबल प्रोवाइडेड है, डीडीबी कवर्स कितना होगा, 80% ऑफ ड्यूटी सब, अगर नहीं होगा तो ब्रांडेड डीडीबी एप्लीकेबल होगा। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। विद इफेक्ट फ्रॉम दिस वेयर द एक्सपोर्टर हैज ऑलरेडी फाइल्ड अ ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम्ड अंडर ऑल इंडिया रेट, क्लेम कर रखा है उसने, ही कैन नॉट रिक्वेस्ट टू फिक्सेशन ऑफ स्पेशल ब्रांड रेट ऑफ ड्रॉबैक, दस एक्सपोर्टर शुड डिटरमाइन द प्रायर टू एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड वेदर टू क्लेम ड्रॉबैक अंडर दिस और दिस, किसी एक में ही लेगा, ठीक है, यानी ड्यूटी ड्रॉबैक या तो ऑल इंडस्ट्री रेट से ले ले या स्पेशल ब्रांड रेट से ले ले। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल नंबर 14। एन एक्सपोर्टर एक्सपोर्टेड 2000 पेयर ऑफ लेदर शूज 750 पर पेयर, ठीक है, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक इन फिक्स्ड ऑन, सॉरी, ऑल इंडस्ट्री रेट ऑफ ड्रॉबैक इन फिक्स्ड ऑन एवरेज बेसिस, एवरेज बेसिस पर फिक्स किया गया 11% ऑफ एफओबी सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 80 रुपीज पर पेयर, ठीक है, मैक्सिमम इतना हो सकता है। तो यहाँ पर एक केस आता है, मार्केट वैल्यू का केस आता है, मैं आपको इसी में समझा दूंगा। द एक्सपोर्टर फाउंड डेट द एक्चुअल ड्यूटी पेड ऑन इनपुट 1,95,000, ही हैज अप्रोच यू एज अ कंसल्टेंट यू टू अप्लाई अंडर 7 रूल ऑफ द ड्रॉबैक रूल ऑफ फिक्सेशन ऑफ स्पेशल ब्रांड रेट की बात हो रही है। तो हम दोनों चीज से देखेंगे, स्पेशल ब्रांड रेट की भी देखेंगे और इधर जो नॉर्मल आ रहा है एग्जीक्यूट कर रहा है उस तरीके से भी देखेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या देखना होगा कि 2000 पेयर ऑफ शूज हैं, 750 पर पेयर है, तो कॉस्ट कितनी आती है, ठीक है, और उस पर ड्यूटी ड्रॉबैक लेते हैं, यानी कि 11% का ड्यूटी ड्रॉबैक लेंगे तो कितना है, ठीक है। तो इस तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक का अमाउंट जो है, अगर हम नॉर्मल पे लेते हैं तो 1,65,000 आता है। अगर हम अब यहाँ पर मैक्सिमम 80 रुपीज़, यहाँ स्टैंडर्ड रेट आ गया, तो स्टैंडर्ड रेट से अगर हम करते हैं तो सिंपल सा है, क्या होगा देखते हैं। अगर दोनों में हमें कंपेरिजन करना होगा, विच एवर इज लेस होगा वही रेट लिया जाएगा। तो 80 80 मल्टीप्लाई 2000 हमारे पास आ गया 1,60,000। तो विच एवर इज लेस क्या है हमारे पास, 1,60,000। देयर फॉर ड्यूटी ड्रॉबैक हमें कितना मिलेगा, 1,60,000 का। ऑल इंडस्ट्री ड्यूटी ड्रॉबैक रेट है 82, रेट कितना है, अब हमें रेट डिटरमाइन करना है कि रेट कितना है। तो जितना ड्रॉबैक लिया है हमने 160, और कितने पर लिया है, 1,95,000। अब ये कहाँ से आया, ये हमारे पास यहाँ से आ गया, ठीक है। तो 100 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास परसेंटेज में आ जाता है कितना, 82.05% रेट है ड्यूटी ड्रॉबैक का, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव लिस्ट की तरफ, नेगेटिव लिस्ट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। इसमें क्या है मैं बता दूं आपको, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इस बेस पर क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये ध्यान रखनी है बात, ठीक। सबसे पहला है डीडीबी अमाउंट इज लेस देन 50 रुपीज़, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। अगर ड्यूटी ड्रॉबैक लेस होता है कितने रुपए से, 50 रुपीज से, ओके। नेक्स्ट है हमारा इन केस ऑफ नेगेटिव सेल्स पर, नेगेटिव सेल्स पर भी नहीं मिलेगा। सैनवेट क्रेडिट अवेल्ड एक्सेप्ट बीसीडी, सैनवेट क्रेडिट अवेल होगा लेकिन बीसीडी का नहीं। डीडीबी अमाउंट इज मोर देन 1/3 होना चाहिए ऑफ मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट, तो नहीं मिलेगा, अगर ज़्यादा है तो, ठीक है, कम ही होना चाहिए। एक्सपोर्ट टू नेपाल भूटान एंड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स आर नॉट रिसीव्ड इन हार्ड करेंसी,
हार्ड करेंसी में नहीं होना चाहिए इस तरह से। DDB एट परसेंट ऑन FOB इज लेस देन 1%, FOB का लेस देन 1% होना चाहिए अनलेस अमाउंट DDB इज मोर देन इक्वल टू 500। ठीक है, मोर देन और इक्वल टू 500 भी नहीं चाहिए तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ड्यूटी ड्रॉबैक इज नॉट अलाउड इफ द एक्सपोर्टर हैज ऑलरेडी अवेल्ड ड्यूटी एंटाइटलमेंट पासबुक। अगर इसमें उसने ऑलरेडी अवेल्ड कर लिया है तो भी उसको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। इफ द सेल प्रोसीड नॉट रिसीव्ड विद इन द टाइम पीरियड अलाउड बाय द टाइम पीरियड, RBI ने अलाउ किया कि सेल प्रोसीड जो इस टाइम तक हो जाना चाहिए, अगर ऐसा नहीं होता तो भी आपको DDB नहीं मिलेगा। तो DDB ड्रॉबैक अमाउंट एक्सीड द मार्केट वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स। एक्सपोर्ट गुड्स मार्केट वैल्यू जो है एक्सीड कर जाती है एक्सपोर्टेड गुड्स की तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, यानी कि कम होना चाहिए। तो देखते हैं कैसे कंप्यूटेशन ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। ए एक्सपोर्टेड अ कंसाइनमेंट अंडर ड्रॉबैक क्लेम कंसिस्टिंग ऑफ द फॉलोइंग आइटम्स। सबसे पहले 200 पीसेस ऑफ प्रेशर स्टोर्स मेनली मेड ऑफ बीन्स, 80 रुपी पर पीस है। 80 रुपीज़ पर पीस है तो यानी कि इसे मल्टीप्लाई कर देंगे हम। और चैप्टर हेडिंग दे रखी है, ये कुछ नहीं है कहीं आप कुछ समझो रेट वेट, ये सिर्फ हेडिंग दे रखी है यानी कि ये इस लिस्ट में होगा इस तरीके से। FOB हमारे पास 16,000 ड्यूटी ड्रॉबैक है 4% ऑफ FOB, 4% ऑफ FOB। अब मैं आपको यहाँ पर एक चीज दिखाना चाहता हूँ, देखिए बहुत अच्छे से समझना है इसको कि 200 पीसेस थे प्रेशर स्टोव से हमारा मेड ऑफ ब्रास। अब देखिए क्या है कि 16,000 FOB वैल्यू है, ड्रॉबैक ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा हमें, 4% ऑफ FOB विच इज 640 का मिल जाएगा। ठीक है, आपको ये ध्यान में रखना है। यानी कि कहने का मतलब है FOB का हमने यहाँ पे पढ़ा था ना, FOB का परसेंटेज जो भी होगा डिटरमाइन करके वो दे देंगे बस। ठीक, नेक्स्ट क्या है, 2 kgs ब्रास यूटेंसिल्स। एक बार क्वेश्चन पढ़ लेते हैं पूरा। हाँ जी, तो 200 kgs ब्रास यूटेंसिल्स बर्तन की बात कर रहे हैं, 200 पर kg है, फिर यहाँ 40,000 है और यहाँ पर ड्यूटी ड्रॉबैक है kg के हिसाब से, तो हमें kg के हिसाब से ही देखना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास 200 kg आर्टवेयर ऑफ ब्रास 300 पर kg, यहाँ पर हमें FOB वैल्यू दे रखी है और यहाँ पर रेट ऑफ FOB दे रखा है सब्जेक्ट टू व मैक्सिमम इतना होना चाहिए, तो इस बात को भी ध्यान रखना है। देन क्या बोला, ऑन एग्जामिनेशन करके देखा गया तो वेट ऑफ ब्रास आर्टवेयर फाउंड वॉज 190 है, 190 kg का ही रहा एंड वॉज रिकॉर्डेड ऑन शिपिंग बिल कंप्यूट ड्रॉबैक। ठीक है, तो यानी कि 10 से कम हो गया 10 किलोग्राम। तो देखते हैं किस तरीके से इसका सॉल्यूशन हुआ है। सबसे पहले मैं यहाँ बता दूँ, मैंने कहा था आपसे कि केजी से मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए यहाँ 24 × 200 हुआ है तो आपके पास ड्यूटी ड्रॉबैक कितना आ गया, 4800 आ गया है। नेक्स्ट है हमारे पास 200 आर्टवेयर ऑफ ब्रास हुज एक्चुअल वेट जो था हमारे पास कितना है, 190 kgs होंगे। तो अगर हम इसके हिसाब से देखें तो किस तरीके से निकालेंगे, 200 का इतना है 60 है तो फिर 190 का कितना होगा, ये तो आपको अच्छे से पता होगा, निकालना आता होगा। ठीक है, तो 60,000 फॉर किसके लिए है, 200 के लिए, तो 190 के लिए कितना, ये आ जाएगा हमारे पास और उसका निकाल देंगे क्या, 17.5%, तो हमारे पास आ जाता है 9,975। ठीक, ये है। और अगर हम देखें तो 190 के हिसाब से कितना होना चाहिए, मैक्सिमम 38 होना चाहिए, तो इतना आ रहा है। तो हमने पढ़ा था विचएवर इज लेस होगा वही हम कंसिडर कर देंगे, देखिए यहाँ कंडीशन भी लिख रखी है। ठीक है, तो आपको क्या लेना होगा, 7,220 टोटल ड्रॉबैक आ गया बस। इतना सिंपल सिंपल क्वेश्चन है और डायरेक्ट ये क्वेश्चन आने के चांसेस हैं बहुत ही ज्यादा। नेक्स्ट है, एक्स लिमिटेड हैज एक्सपोर्टेड फॉलोइंग गुड्स टू USA, डिस्कस वेदर एनी ड्यूटी ड्रॉबैक इज एडमिसेबल अंडर सेक्शन 75 में। आपको बताना है रेट्स, बताने सेक्शन 75 में बताना है, ध्यान से करिएगा इस क्वेश्चन को। कंडीशन जो अभी हमने पढ़ी थी वही कंडीशन, नेगेटिव लिस्ट वाली बतानी है। तो सबसे पहले ए FOB वैल्यू एक्सपोर्टेड 250 लाख मार्केट प्राइस, देखिए यहाँ पर तो एक चीज ध्यान में रखने की मार्केट प्राइस ज्यादा नहीं है तो यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, लेकिन कितना मिलेगा, 30% ऑफ FOB बोल रहा है तो 30% ऑफ FOB मिल जाएगा क्या, ये बात ध्यान रखनी है कि 30% ऑफ FOB है मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखते हैं क्या है। तो आंसर में क्या कहा गया, ड्यूटी ड्रॉबैक कैसे अलाउ होगा,
प्रोडक्ट ए के लिए ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट 30% देखा जाए तो कितना है, 75,000, और 180 का 1/3 60,000, मार्केट प्राइस का 1/3 60,000। तो मार्केट प्राइस को एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कि 60,000 को एक्सीड नहीं करना चाहिए। तो अलाउएबल ड्यूटी ड्रॉबैक डज नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द मार्केट प्राइस, हैंस तो आपको कितने का ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा, 60,000 का। ये कंडीशंस हैं, आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है, कहीं फिर आप बाद में समझो कि ये किस तरीके से आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट क्या था, नेक्स्ट बी में है, बी एफ ओ बी दे रखी है और मार्केट प्राइस दे रखा है 1.0.75। तो हमने कंडीशन पढ़ी थी कि एफ ओ बी का 1% होना चाहिए, ठीक है, एफ ओ बी से कम होना चाहिए, कहने का बी है। तो यहाँ पर देखिए एफ ओ बी से कम है, लेकिन किस तरीके से ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा इस पर, ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड 750। सबसे पहले तो हमने निकाल लिया 750 इसका, सिंस द अमाउंट इज मोर देन 500। लेकिन दो कंडीशन थी, क्या कि कम होना चाहिए और 500 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो क्या क्या है यहाँ पर, मोर देन 500 है, इवन तो द रेट इज लेस देन 1% है, ठीक है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंट क्या हो जाएगा, 750 का मिल जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है। एक बार दिखला देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर जो कंडीशन थी क्या बोला था कि मोर देन और इक्वल टू 500 होना चाहिए, और अच्छा, यहाँ कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेस देन 1% था और मोर देन 500 से ज़्यादा था, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिल जाएगा, ठीक है, लेस देन नहीं होना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, नेक्स्ट बोल रहा है कि 8 लाख है और 8,50,000 मार्केट प्राइस। अब यहाँ पर एक चीज़ आ गई कि मार्केट प्राइस ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी है, हर एक कंडीशन देखिए यहाँ सेटिस्फाइड कर रहे हैं, तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या रीज़न दिया गया, एक्सपोर्ट जो है मार्केट प्राइस एक्सपोर्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक। लास्ट क्या है, लास्ट है हमारा, लास्ट पॉइंट प्रोडक्ट डी के लिए क्या था, 2,000 एक्सपोर्टेड वैल्यू है, मार्केट प्राइस है 2,100। फिर यहाँ पर भी सेम वही आ रहा है, ठीक, और 1% से ज़्यादा भी है, तो यहाँ पर भी क्या होगा, नो ड्यूटी ड्रॉबैक, सीन दी ड्यूटी ड्रॉबैक इज ₹30 विच इज़ लेस देन 50 भी है। अच्छा ये भी देखना था हाँ कि उसका है कि नहीं है 50, ठीक है, 30 आ जाएगा ना, 1.5% ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स का, और ड्यूटी ड्रॉबैक रेट ड्रॉबैक इज मोर देन 1% है, ये भी ध्यान रखना है। तो वही आपको करके बता दिया गया है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से सॉल्व किया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कैलकुलेट दी अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउबल एज अंडर। जब तक कि आपको देख लो केस अगर नहीं होंगे ना, तब तक आपको क्वेश्चन भी याद होगा ही नहीं, मतलब क्वेश्चन समझ में आएगा ही नहीं, जब तक आपको वो कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं समझ में। तो जग्गी मेहता इम्पोर्टेड अ कार फॉर द पर्सनल यूज के लिए है, इतने रुपए का इम्पोर्ट करवाया है, इम्पोर्ट ड्यूटी दी है उसने, और हैवर द कार इज री एक्सपोर्टेड इमिडली विदाउट ब्रिंगिंग इन टू द यूज, यूज में नहीं लाया और उन्होंने वापस, तो 98% हमने पढ़ा था, तो 98% देखो यहाँ पर उनको ड्यूटी ड्रॉबैक मिला है। मीनाक्षी इम्पोर्टेड अ म्यूजिक प्लेयर फ्रॉम दुबई एंड पेड 12,000 एज इम्पोर्टेड गुड ड्यूटी, सी यूज इट फॉर 4 मंथ्स उसने यूज किया है और 4 मंथ्स के बाद रीएक्सपोर्ट कर दिया है, तो 4 मंथ्स के लिए यानी कि लास्ट, ठीक है, तो आपको चार्ट में जाकर देखना होगा और या फिर याद भी करना होगा, तो उसके लिए ड्यूटी ड्रॉबैक कितना था, 85% था, तो 85% ऑफ 12,000 आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा, एक्स वाई जेड लिमिटेड एक्सपोर्टेड 1,000 केजीज ऑफ मेटल, एफ ओ बी वैल्यू है 1 लाख, रेट ऑफ ड्यूटी है, रेट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन सच एक्सपोर्ट इज 60 पर केजी, मार्केट प्राइस है 40,000। तो आपको ये भी ध्यान रखना है, मैंने आपको पहले ही बताया था किस तरीके से मार्केट प्राइस लेनी है हमें और किस तरीके से ये सॉल्व करना। तो अगर मैं निकालू केजी के हिसाब से तो मेरे पास आता है 60,000 और हमारे पास मार्केट प्राइस है 40,000, तो मार्केट प्राइस से ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। तो क्या कह रहा है, एक्स वाई जेड इज नॉट एंटाइटेड टू क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक इन दिस केस सिंस मार्केट वैल्यू इज एक्सपोर्टेड गुड्स इज लेस देन द वैल्यू ऑफ द ड्यूटी ड्रॉबैक, ठीक है, तो आपको ये ध्यान में रखना होगा, इसलिए ड्यूटी ड्रॉबैक यहाँ पर नहीं मिलेगा। अब कुछ केसेस हैं, क्या है, इस ड्यूटी ड्रॉबैक अलाउड इन रिस्पेक्ट ऑफ मिल्क प्रोडक्ट, तो मैं आपको ऐसे बता देता हूँ, बाकी आप मेरे नोट्स ले सकते हैं व्हाट्सएप करके, उसमें बताया है मैंने, अच्छे से लिख कर समझाया हुआ है।
कि क्या डीडीबी जो है अलाउड ऑन पहले क्या था, वीट और राइस पर था, बट अब अमेंडेड हो गया है, तो अब जो है वो अलाउड नहीं है, ड्यूटी ड्रॉबैक आपको नहीं मिलेगा। पहले क्या था, मिल्क पे मिलता था, मिल्क प्रोडक्ट्स पर मिलता था, बट अब अमेंडेड हो गया है, अब आपको क्या होगा, डीडीबी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपको ये बात जो है वो ध्यान में रखनी है, इसको पढ़ लेना है और यही बताया गया है। ठीक, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, जरा आगे देखते हैं आगे क्या है। ड्रॉबैक शैल नॉट बी रिकवर्ड, देखो ड्रॉबैक जो है वो रिकवर्ड नहीं होगा, बात ध्यान रखनी है आपको। कब कब रिकवर्ड नहीं होगा ये भी देखना है, कब रिकवर्ड नहीं होगा, यहाँ से डायरेक्ट मैं यहाँ से पढ़ रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन है क्या, सच नॉन रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड्स, कोई आपने सेल किया रियलाइजेशन नहीं हुआ अमाउंट, ठीक है, कंपनसेटेड बाय दी, कंपनसेट करवाया आपने ईसीजी से, तो फिर ऑफ इंडिया अंडर दी एश्योरेंस कवर, ठीक, तो आपको ड्यूटी ड्रॉबैक क्या होगा, रिकवर नहीं होगा, ये बात ध्यान रखना। नेक्स्ट है आरबीआई राइट ऑफ कर लेता है रिक्वायरमेंट ऑफ रियलाइजेशन ऑफ सेल प्रोसीड को, तो भी आपको क्या होगा, ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। एक्सपोर्टेड प्रोड्यूसर सर्टिफिकेट फ्रॉम दी कंसर्न फॉरेन मिशन के लिए भी उसने कर दिया है नॉट रिकवरी पर, तो फिर क्या होगा, तो भी आपको ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वेसल वॉज कॉट अप इन दी रफ वेदर एंड सैंक, टेरिटोरियल वाटर में आपका जो वेसल है वो डूब जाता है, तो क्या उसका ड्रॉबैक मिलेगा, आपने जो ड्यूटी पे कर दी है, तो उसके लिए ना कुछ कंडीशन है वो आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, कंडीशन क्या है, क्या वेसल इज कॉट अप वाटर वेदर वेदर एंड सैंक इन द टेरिटोरियल वाटर, ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी क्लेम्ड, क्या क्लेम कर सकते हैं, ये क्वेश्चन ऑलरेडी यहाँ पर पूछ रहा है, तो देखिए क्या होता है, द वेसल सैंक विदाउट द टेरिटोरियल विद इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड देयर फोर देर इज नो एक्सपोर्ट, तो एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, नो ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी अवेलेबल इन दिस केस, द टेरिटोरियल वाटर, ये तो हमें पता है 12 नॉटिकल माइल्स तक होता है बस। ठीक है, तो आपको बस ये ध्यान रखना है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है तो हमें ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। अल्फा लिमिटेड मैन्युफैक्चर हैवी मशीनरी, 50% ऑफ इट्स प्रोडक्शन इज एक्सपोर्टेड टू यूरोपियन कंट्रीज, 50% ऑफ प्रोडक्शन हम यूरोपियन कंट्रीज से क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड दी मशीनरी इज मैन्युफैक्चर विद द हेल्प ऑफ इम्पोर्टेड कॉम्पोनेंट्स एज वेल एज इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स, अल्फा लिमिटेड रेगुलरली पेज इम्पोर्ट ड्यूटी एंड सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी ऑन द इम्पोर्टेड कॉम्पोनेंट्स एंड इंडिजीनियस रॉ मटेरियल्स रिस्पेक्टिवली एंड क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक, तो इस तरीके से वो क्या करती है, वो बता रहा है कि कुछ कॉम्पोनेंट्स जो है वो इस तरीके 50% यहाँ से करती है और जो रिमेनिंग है वो अदर से करती है एक्सपोर्ट, तो किस तरीके से डेट दे रखी है हमें 28 को जो है, इट लोडेड अ मशीनरी, लोड करती है मैन्युफैक्चर बाय इट ऑन वेसल विक्टोरिया फॉर बीइंग एक्सपोर्टेड टू जर्मनी, एक्सपोर्ट करती है जर्मनी की तरफ, विक्टोरिया सेट सेल फ्रॉम मुंबई वन बट वॉज कॉट अप, वहाँ पर क्या होता है वो डूब जाते हैं टेरिस्टोरियल वाटर में ऑन 2/12/2018 को, द कस्टम डिपार्टमेंट हैज रिफ्यूज टू ग्रांट ड्यूटी ड्रॉबैक, ऑब्वियसली हम ऊपर पढ़ चुके हैं क्योंकि हमारा क्या हुआ है, एक्सपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पर आंसर क्या है, यूनियन ऑफ, ये इसका केस है, इसके केस के तहत बताया गया क्या, द वेसल सैंक विद इन द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया एंड देयर फोर देर इज नो एक्सपोर्ट, अकॉर्डिंगली नो ड्यूटी ड्रॉबैक शैल बी अवेलेबल इन द केस द टेरिटोरियल वाटर, उसके बाद बताया गया कि 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इजी है समझना, अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आता है तो, अदरवाइज आप नहीं समझ पाएंगे। फिर देखिए, इम्पोर्ट्स बाय 100% ईओयू, इम्पोर्ट किया जा रहा है कहाँ से, ईओयू से, तो क्या होता है, ईओयू एसटीपीज एंड एसटीपीज विल बी अलाउड टू इम्पोर्ट गुड्स विदाउट पेमेंट ऑफ बेसिक कस्टम ड्यूटी, ये अलाउ करता है इम्पोर्ट को विदाउट, अगर आपने क्या किया है ड्यूटी पे नहीं किया तो इम्पोर्ट को अलाउ करेगा क्या, यस कर देगा, एज वेल एडिशनल ड्यूटेबल जो भी चार्ज है वो सब, जीएसटी वुड बी लेवेबल ऑन द इम्पोर्ट ऑफ इनपुट गुड्स और सर्विसेज और बोथ यूज इन मैन्युफैक्चर और यूज विच कैन बी टेकन एज इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर जीएसटी लेवल है गुड्स हो या चाहे सर्विसेज का हो यू मैन्युफैक्चर में, तो आपको आईटीसी उसका मिल जाएगा, दिस आईटीसी कैन बी यूटिलाइज फॉर पेमेंट ऑफ जीएसटी टैक्सेस पेबल ऑफ ऑन द गुड्स क्लियर्ड इन दी, उन्हीं के लिए है जो कि डीटीएस से क्लियर हो रहे हैं, और रिफंड यूटिलाइज के लिए आईटीसी का कैन बी क्लेम कर सकते हैं, आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। ठीक है, सो इन दी जीएसटी रिजाइम क्लियरेंस ऑफ गुड्स इन डीटीए विल अट्रैक्ट
ट्रैक्ड जीएसटी बिसाइड पेमेंट ऑफ अमाउंट इक्वल टू बीसीटी एग्जेम्पशन अवेल्ड इन इनपुट यूज इन सच, जो भी एग्जेम्पशन ली गई है वहां पर क्या कर सकते हैं, हम अवेल कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है डीटीए क्लियरेंस ऑफ गुड्स विच आर नॉट अंडर जीएसटी वुड अट्रैक्ट, क्या अट्रैक्ट करेगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी। तो ऑल ओवर कहने का मतलब ये है कि क्या मिल जाएगा उसको, आईटीसी मिल जाएगा जीएसटी पे किया है तो। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वेश्चन हमारे पास, एंड खुश हो जाइए क्योंकि ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा इस आज की वीडियो का। सो एमएसएक्स लिमिटेड अ यूनिट ऑफ 100% ईओयू लोकेटेड इन चेन्नई। मैं आपको बता दूं ये जो दिसंबर 2019 के पेपर में क्वेश्चन दिया हुआ है ये एज इट इज बिल्कुल एक वर्ड भी चेंज नहीं है और 6 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस चीज़ से पढ़ना है, आपको स्टडी मटेरियल से पढ़ना है या फिर रेफरेंस बुक या कोई भी हो, आप पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, पढ़ो, लेकिन आप स्टडी मटेरियल को भी नहीं छोड़ सकते हो। ठीक है, आप चेक करके आ सकते हो, देख सकते हो पेपर में आया हुआ है नहीं, फिर आप बोल सकते हो कमेंट में कि हाँ सर आपने ऐसी कहा था कि पेपर में कोई पेपर नहीं आया है। ठीक, तो आप एक बार चेक कर सकते हो जाकर, ये आ रखा है एग्ज़ाम में एंड बहुत ही ज़्यादा इजी है। कंडीशन पढ़नी है हमें, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो क्वेश्चन भी आ गया, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है ये। सो ईओयू जो है 100% है एंड सोल्ड गुड्स में से ए लिमिटेड लोकेटेड इन मुंबई फॉर 20 लाख। इफ MSX Limited being EOU imported these goods exempted from BCD 10% IGST 12% is applicable. Find the GST total GST or IGST, यही पूछा है उसमें भी। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करना है ये देखना है हमें। तो असेसेबल वैल्यू दे रखी है हमें 20 लाख की, BCD सिंपल से लगा देना है 10%, SWS भी लगा देना है उस पर 10% ऑफ BCD का। ठीक है, इस तरीके से आ जाएगा सब टोटल आ जाएगा। IGST लगा देंगे 12% ऑफ सब टोटल। ठीक, फिर हम टोटल इन सब को ऐड करके आ जाएगा हमारे पास ये वैल्यू। उसके बाद ड्यूटी पेएबल कितना हो जाएगा, इन सब को ड्यूटी पेएबल ये वाला ये और ये IGST ऐड करके 4,86,400। तो मैं बात बता दूं आपको, ITC उसने किसका बोला था लेने का, IGST का। ठीक है, तो आपको क्या है यहाँ पर BCD का नील मिलेगा, IGST का पूरा ITC अलाउड हो जाएगा। ठीक है, तो जून 2019 के पेपर में भी यही पूछा गया था और आपको इसी तरीके से सॉल्व कर देना था। ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और इतना इजी है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। ठीक है, अदरवाइज कुछ भी नहीं हो सकता। सो आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे, ओहो सॉरी टू से यहाँ पर थोड़ा सा और अभी रह गया है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है, इम्पोर्ट प्रोक्योरमेंट बाय SEZ। अगर इम्पोर्ट करवा रहे हैं किससे, SEZ के थ्रू से, तो क्या होता है, ऑथोराइज ऑपरेशन इन कनेक्शन विद SEZ शैल बी एग्जेम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ IGST। IGST से एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको। हैंस देयर इज नो चेंज इन ऑपरेशन ऑफ SEZ स्कीम में कोई चेंजेस नहीं है। सप्लाईज मेड टू एन SEZ यूनिट और अ SEZ, ये भी एक नंबर में आया हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं, जीरो रेटेड बोलते हैं। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। द सप्लाई मेड टू एन SEZ यूनिट और SEZ डेवलपर कैन बी मेड इन द सेम मैनर एज सप्लाईज मेड टू एक्सपोर्ट, इधर ऑन पेमेंट ऑफ IGST क्लेम रिफंड और या फिर LUT का, किसी का भी कर सकता है। ठीक है, और ये अब आपको पढ़ देना है, सिंपल सा है, मैं आपको यही एक लास्ट लाइन बताऊंगा क्या, कि जो IGST ऑल इम्पोर्ट अंडर द प्रोजेक्ट इम्पोर्ट स्कीम विल बी क्लासिफाइड अंडर हेडिंग ड्यूटी शैल बी लेविड, कितना पे करना होगा उसको, 18%। ठीक है, तो ये आज का एंड होता है अब। ये नेक्स्ट में हम स्टडी नोट नंबर 5 पढ़ेंगे एंड आई विश आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा जो मैं पढ़ा रहा हूँ। एंड प्लीज स्टे कनेक्टेड विद मी बिकॉज मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सजेस्टेड आंसर दिखाने वाला हूँ 2019 का, किस तरीके से हमने जो पढ़ा है वो एक एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में या नहीं, ये एनालाइज करेंगे। सर आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल ही बेफिक्र रहिए जून 2020 के लिए, बहुत अच्छे से पढ़ना है, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छा पढ़ना है। अगर एक बात बताइए, हमने जब सारा बुक में से पढ़ लिया है, एक एक चीज़ पढ़ ली है, तो इससे बाहर पेपर और क्या आएगा,
ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे हम अगले नेक्स्ट वीडियो में उसका एनालिसिस करेंगे अच्छे से। तब तक के लिए मुझे जाना होगा, और प्लीज़ अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जो भी अपडेट या नोटिफिकेशन होंगी वो आपको मिलती रहेंगी। और एक बार और मैं बताना चाहता हूँ कि जिसको भी आप, अगर आपको नोट्स की ज़रूरत है, हैंडमेड नोट्स हैं उनको अगर चाहिए, तो आपको मुझे व्हाट्सएप करना होगा, देन मैं आपको उसके थ्रू PDF फाइल भेज दूंगा। सो थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट।